नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस देश के जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित हरीश तिवारी जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे ना सिर्फ उनके संगीत सफर पर बातचीत करेंगे, बल्कि उनके बहाने, उनसे बातचीत के बहाने खुलेंगी इस देश के एक बहुत बड़े कलाकार के जीवन की खिड़कियां। लेकिन पहले स्वागत करते हैं पंडित जी आपका। नमस्कार। जो मेरी पहली जिज्ञासा है पंडित जी, वो तो यही है कि उत्तर प्रदेश के जिस इलाके से आप आते हैं, उस इलाके में लोकगीत की परंपरा तो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां से शास्त्रीय संगीत के बीज आपके अंदर कैसे आए, कैसे शुरुआत हुई, आपकी दिलचस्पी कैसे शास्त्रीय संगीत में हुई, ये जानना थोड़ा दिलचस्प होगा। जी, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का हूं। मैं जी, वो गांव है, ये देवरिया कस्या रोड के पे तरकुलवा बाजार है, उसके पास ये गांव है कैथवलिया, वहां पे मेरा गांव है, मैं वहां पैदा हुआ। और जो है वाकई जो है शास्त्रीय संगीत का तो कोई माहौल नहीं है वहां पे, और शास्त्रीय संगीत को बहुत अच्छे दृष्टि से, माने संगीत को एक तरह से उतना अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते हैं। और उसमें भी ये जो सफर हमारा चालू हुआ, मेरे घर में भी संगीत का कोई वैसा माहौल नहीं था। हमारे दादाजी को, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सुखाए के लिए गाना सुनते थे, स्केल सागल का गाना और पुराने सब रफी साहब का, क्या बोलते हैं, लता जी का, आशा जी का, सब सुनते थे, और सहगल का गाना बहुत पसंद करते थे। तो वो गाते थे, लेकिन उस समय हमारे मन में कोई संगीत का वैसा नहीं था। जब पांचवी कक्षा पास किया उसके बाद वो गुजर गए, तो उस समय तक अभी मेरा संगीत की तरफ कोई रुझान नहीं था। और मेरे चाचा जी वही इंटर कॉलेज में, वहां पास में इंटर कॉलेज मुसहरी है जी, तो वहां पे मेरे चाचा जी श्री राधे श्याम तिवारी, वो हिंदी के टीचर थे, और जो है उनको वो रेडियो वगैरह सुनते थे, और वो खुद भी थोड़ा सा ऐसे जो लोकगीत गाते हैं अपने कहीं ऐसा नहीं, केवल गुनगुनाने के लिए, तो उनके साथ में रहता था, तो उनका सुनते रहता था कुछ भी, जो भी जैसे मुकेश का कोई गाना है, या तलत महमूद थे ना, तलत महमूद का गाना, तो अमवा की मजरा से रस चुएला है ना गाना, तो ये सब गाते रहते थे। या ये मुकेश का सजनमा बैरी हो गए हमार, ये सब करते करते मेरे कान में ये सब आने लगा। मैंने उनके साथ जाता था, ज्यादातर साइकिल पे बिठा लिया, कहीं लेके जा रहे हैं। उस समय तक मेरे मन में ये ऐसा नहीं हुआ कि कहीं संगीत की शुरुआत होने वाली है। जब मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहा था, वहां पे कुछ जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे स्कूलों में, जैसे तुलसीदास जयंती या विवेकानंद जयंती, उस पर कुछ कविताएं दिया गाने के लिए। किसी ने बोला कि भैया आपके यहाँ भी कोई गाने वाले हैं, तो चाचा जी ने ऐसे ही पूछ दिया, भाई गाओगे? तो हम लोग जैसे ऐसा मन में नहीं था, अब चाचा जी ने बोल दिया भाई गाना है, अब उन्होंने बोल दिया गाना है तो गाना है। तो मैंने एक कविता कोई गाई तो सबको बड़ा पसंद आया, उसके पहले मैंने कभी गाया नहीं था किसी के सामने। उसके बाद वहीं से धीरे धीरे कुछ कविताएं गाने लगा वहां से, तो सबको मन में हुआ, चाचा जी को भी हुआ कि ये म्यूजिक में जाना चाहिए इसको। फिर उन्होंने वहां, अब संगीत कहाँ पे है सब्जेक्ट के रूप में, तो हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने गायन गायन सीखा, वहां कुशीनगर जगह है, कुशीनगर बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर में म्यूजिक था, तो वहां मैं घर से 15 किलोमीटर दूर था, वहां मैं साइकिल चला के जाता था 9th में, वही आना जाना, तो वहां पे थोड़ा शुरुआत हुई। जो राग सीखते, मैंने राग चीज रागदारी, मैंने वही बंदी से कुछ, उसके बाद फिर वही कोर्स पूरा करने के लिए, फिर उसके बाद हुआ कि इंटरमीडिएट में वहां म्यूजिक नहीं था, तो फिर अपने घर से दक्षिण साइड में सरजू के किनारे एक बरहज बाजार है, वहां पे इंटर कॉलेज है, वो बहुत पुराना कॉलेज है, किंग जॉर्ज पहले उसका नाम था अंग्रेजों के जमाने में, बाद में उसका नाम था हर्षन इंटर कॉलेज, तो वहां पे
मेरा एडमिशन हुआ तो वहां कुछ दूरी पे मेरे मौसी का घर था, वहां से मैं आता जाता था। फिर गुरुजी ने बोला कि 12वीं में कि अब यही रूम लेके रहो, वहां मेरे पंडित ठाकुर चौबे जी वो वहां पढ़ाते थे, तो वहीं मैं रहने लगा। और वहां से फिर थोड़ी से रियाज की शुरुआत हुई कि शास्त्रीय संगीत कैसे गुरुजी प्रोत्साहित करते थे उस एरिया में, मैं संगीत तो नहीं था लेकिन वो था कि शास्त्रीय संगीत ऐसे गाना होता है, ऐसे करना होता है, उसके लिए रियाज भी करना जरूरी होता है, डांट भी पड़ती थी। जैसे हम लोग लड़कपन में जैसे कभी फालतू टाइम में घूम रहे हैं, कुछ खेल 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 कर रहे हैं, उसी में पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं, उन्होंने बोला ऐसे नहीं हो सकता, बहुत डांट एक दिन पड़ी, ये नहीं जाकर के फालतू में बैठ के गेट पे, कॉलेज के गेट पे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और किसी को देख के हंस रहे थे हम लोग, कहीं कोई आ जा रहा था तो बोले फालतू टाइम, गुरु जी कहीं से सुन रहे थे, उसके बाद इतनी झाड़ पड़ी, उन्होंने बोला ये नहीं जाके म्यूजिक रूम में रियाज करें। हम फिर पूछे गुरु जी से, बाद में हम लोग थोड़ा गुस्सा उनका कम हुआ तो पूछे मेरे रियाज कैसे करना है, तो फिर उन्होंने चाबी दिया रूम का, फिर ऐसे जाके ऐसे रियाज किया जाता है, तो शुरुआत हुई वहां से। उसके बाद फिर वहां से अब इंटरमीडिएट होने के बाद फिर बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मैंने बीएचयू में, वहां पंडित ओंकारनाथ जी के शिष्य लोग थे वहां, पंडित अजीत भट्टाचार्य जी और आचार्य नंदन जी, वहां से हमने बैचलर की डिग्री ली। और वहां पे गुरु शिष्य परंपरा से मैं पंडित अजीत भट्टाचार्य जी से गाना सीखता था, ग्वालियर घराने, ग्वालियर घराने का गाना था, और उनका पंडित आचार्य नंदन जी भी ग्वालियर घराना का भी गाते थे, ग्वालियर घराना और शाम चौरासी घराने की भी गायकी गाते थे वो, तो उन्होंने पंडित कुंदन लाल जी से गाना सीखा था शाम चौरासी घराने का। पंडित कुंदन लाल जी रोहतक में रहते थे उस जमाने में, हमने पूछा गुरु जी वो उनसे कहां मिला, वो तो बनारस में ही रहते थे उस जो हमारे गुरु जी जब स्टूडेंट थे तो उसमें बनारस में ही रहते थे, वहां उनको बहुत सारे लोग जानते थे और बड़े विद्वान कलाकार थे, तो उनसे सीख दी, इसलिए हमारे गले में थोड़ा शाम चौरासी घराने का भी गाना गले में था। फिर बाद में पंडित कुंदन लाल जी से मैंने भी गाना सीखा, गुरु जी ने परिचय कराया तो बुलाए बेटा आना कभी तो वहां सीखे, तो इसके बाद फिर तब फिर मैं उसके बाद पूना चला गया। एक एक सवाल यहाँ पर और पूछना जरूरी है पंडित जी, आपने जी, बहुत शुरू में बहुत अच्छी बात कही और बहुत प्रैक्टिकल बात कही कि उस इलाके में संगीत को बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था, और नहीं देखा जाता, ऐसे में जब आपने तय किया होगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ संगीत सीखेंगे, किस तरह जी, का सपोर्ट परिवार से मिला, किस तरह का सपोर्ट माता पिताजी से मिला, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमेशा जहन में ये रहा होगा कि पैसे भी चाहिए, कमाना कमाए बिना घर नहीं चलता, और इससे तो पैसे जी, 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 हाँ। तो मेरे घर में जैसे सब ये खुले विचार के लोग थे, पिताजी का भी कोई ऐसा नहीं था कि उनको ये नहीं पता था कहाँ जाना, शिक्षा के बारे में चाचा, हम लोग का परिवार अभी भी कंबाइंड है, तो जैसे चाचा जी देखते हैं कि कौन क्या पढ़ाई, क्योंकि वही शिक्षा की लाइन में जैसे वही थे, तो उनको पता था किसको कहाँ भेजना क्या करना है, वही तय करते थे कौन क्या पढ़ेगा, तो उसमें कोई उनके मन में ये नहीं था, ये था कि उस समय तक भी हमने ये नहीं सोचा था कि हमको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, वो ये था कि जाएंगे नौकरी, फिर कहीं से डिग्री लेके फिर नौकरी करेंगे। लेकिन बनारस में जब गया वहां पे तो कुछ दिन तो सीखा हमने का ये तो डिग्री तो लेना ही है लेकिन हमको गाना सीखना है, तो बहुत सारे लोग वहां प्रोत्साहित करते थे, जैसे वहां संकट मोचन संगीत समारोह होता था बनारस में, तो ये पंडित जसराज जी का गाना होता था, बहुत सारे लोग पंडित जसराज जी उनके शागिर्द और भी आते थे लोग, तो कई सितार वादक या पंडित किशन महाराज जी का तबला, पंडित शामता प्रसाद जी का तबला, पंडित लक्ष्मू महाराज जी का तबला बहुत सुना हम लोगों ने, तो वो एक वहां एक पखावज वादक थे श्री पंडित श्रीकांत मिश्रा, तो पखावज उनको टुन महाराज के नाम से जानते थे लोग, तो वो बहुत प्यार करते थे, वो बड़ा बहुत प्रोत्साहित कर प्रैक्टिकल आदमी थे, बोले गाना हम वैसे वहां मंदिरों में मेरा प्रोग्राम होता था, वहां मंदिरों में ही प्रोग्राम होते हैं, जैसे दुर्गा मंदिर में, गणेश मंदिर में, सोनारपुरा गणेश मंदिर में, तो वो सुने गाना बोले रे तुम कहाँ फंसे हो, जहां से भाग जाओ गाना सीखो, तुम गाना तुमको मंच पे गाना गाना है। उन्होंने ही हमको बोला कि यहाँ गुंदेचा ब्रदर्स
भोपाल में जाओ। उन्होंने बोला भी कहीं बड़े लोग, हम तो पंडित भीमसेन जोशी जी के पास जाना है। उन्होंने बोला कि तुम वहां जाओ, वहां से हमको कोई परिचय तो चाहिए इतने बड़े आदमी के पास जाने के लिए, तो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर ये मैं भोपाल गया और वहां गुंदेचा ब्रदर्स मिले, ये पंडित उमाकांत गुंदेचा और रमाकांत गुंदेचा दोनों भाई। तो उस समय वो लोग भी साधना करते थे और उन लोगों का प्रोग्राम भी होता था ध्रुपद का, तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं किसी आर्टिस्ट को। सपोर्ट, जैसे ये सपोर्ट का नेचर है उनका, ये नहीं कि इनसे क्या लाभ है। आजकल तो सभी लोग यही सोचते हैं कि इनको क्या फायदा होगा हमारा इनको सपोर्ट करने। बड़ा मेहनत किया उन्होंने यहाँ, जैसे अशोक वाजपेयी जी से चिट्ठी लिखवाया, फिर कारंत साहब से चिट्ठी लिखवाया, तो फिर वहां से बना ऐसा माहौल। तो हमारे घर में जैसे आपका क्वेश्चन था कि सपोर्ट नहीं होता है ना, कि कोई क्या करेगा लड़का, देखिए जो लिखा है वही होगा। तो पैसा आना है तो इस लाइन से भी आएगा, पढ़ाई करके भी बहुत, एमए करके सबकी नौकरी थोड़ी लग जाती है, एमए करके पीएचडी करके सब बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। तो चाचा जी का ये था, उनका वो नहीं था कि इसके तरफ मैंने कैसे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो हमको पैसे बनारस में आते थे कुछ, जैसे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, उनको पता था म्यूजिक कर रहा है तो पढ़ाई के लिए पैसे आते थे, बहुत ज्यादा नहीं आते थे, मैंने खर्च जितने में चल जाए तो उतना सपोर्ट मिलता था। तो वो बड़े खुले विचार, हमारे घर में कुछ अभी भी कोई ये नहीं है कि बड़े दबाव देके रखना है कि क्या करेगा, बहुत चिंतित नहीं होते हैं। तो ये ऐसे ये सामंजस्य बना। मेरा प्रश्न यही था कि बचपन में मुकेश को सुनना या रफी साहब को सुनना, आशा जी, लता जी, महमूद, इन लोग को सुनना तो समझ में आता है, लेकिन जब आप ने अपने जीवन में मल्लिकार्जुन मंसूर को सुनना या ओंकारनाथ ठाकुर जी को सुनना या फिर जसराज जी को सुनना या फिर पलुस्कर को सुनना, इस तरह के कलाकारों को सुनने का जो टेस्ट डेवलप हुआ, जो स्वाद आया, वो बनारस की वजह से विकसित हुआ? हाँ, देखिए क्या है, हमारे गुरु जो थे, जितने भी गुरु थे हमारे, सब प्रैक्टिकल थे जी। हमारे पंडित ठाकुर चौबे जी भी, वो भी प्रोत्साहित करते, देखो ये पंडित ओंकारनाथ जी ऐसा गाते थे, हम लोग तो ओंकारनाथ जी का गाना कभी सुने भी नहीं थे रेडियो में। उस समय तक भी देवरिया में हम लोग रहते थे, उस समय ऐसा नहीं कि रेडियो में हम गाना किसी का सुने, तो रेडियो लगा दिया, गुरु जी भी हमारा रेडियो लगा देते थे, बोल दिए सुनो ये उनका गाना है, इनका गाना है, ये सब सबका। तो उस समय तक हम खाली पंडित ओंकारनाथ जी को जानते थे, और तबले में पंडित अनोखेला जी का नाम गुरु जी बताते थे। फिर हम बनारस जब गए तो बनारस में हमारे गुरु जो थे, जैसे पंडित जसराज जी का गाना सुना मैंने पहले, जैसे हम संकट मोचन में जो प्रोग्राम होता है जी, तो उसमें जाते हैं तो देखा हमने, रोज प्रोग्राम हो रहे हैं दो तीन दिन का, एक दिन हुआ कि एक दो दिन पहले अनाउंस होता है कि इस दिन का प्रोग्राम ये है, इस दिन का प्रोग्राम ये है। तो बाद में ये पंडित जसराज, अब जो बताया जा रहा कि उस दिन इस दिन पंडित जसराज जी का गायन होगा इस समय, तो बड़ी क्लैपिंग होती थी केवल नाम सुन के कि संगीत मारतंड पंडितों का, पंडित जसराज जी का गायन होगा, तो बड़ी थे क्या है पंडित जसराज जी, क्या हम तो कभी सुने नहीं थे, हमने ऐसा क्या गाएंगे कि इतना क्लैपिंग हो रहा है। तो हमारा एक दोस्त परमानंद यादव है, तो वो बगल में बैठे, अरे पंडित जसराज जी बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनका गाना सुना। हमने सोचा यार अब वो समय कब आएगा ऐसे, तो ये मन में आया। तो उनका गाना जब पंडित जसराज जी का सुना तो बड़ा आकर्षक गाना, उनको बड़ा आकर्षक लगा उनका गाना। हम भी गाँव से आए थे, लेकिन वो खरज वरज लगाना और कैसे गान स्वरों को बड़े आकर्षक ढंग से लेते हैं ना, तो कुछ दिन में वो ही स्टाइल गाता था, वो गाना सुन के वो स्टाइल गाता था, वही दिमाग, तो और किसी का गाना सुना नहीं। तो मैं हमारे गुरु पंडित अजीत भट्टाचार्य जी, जो वो बोले कि इनका पंडित जी का तो गाना सुना तूने, पंडित जसराज जी का, पंडित भीमसेन जोशी का गाना सुना, उनका गाना और भी मतलब गहराई है गाने में, पंडित जसराज जी का उनका भी थोड़ा सुनो, ऐसा नहीं उनको कहा कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छे बोले कि पंडित भीमसेन जोशी का गाना सुना, हमने कहा तो नहीं सुना है, कभी उनका गाना सुनो। तो आप कहीं उस समय ऐसा नहीं था कि इंटरनेट खोला गाना मिल जाएगा कहीं, अब कहीं रेडियो में आ गया तो ठीक है, नहीं तो जाके कैसेट खरीदा जाए। तो उस समय भी ऐसा नहीं था कि कैसेट जाके खरीदे हम, तो जाके हमारे डिपार्टमेंट में बनारस इंस्टीट्यूट पहले ऐसा बहुत अच्छा था, वहाँ बनारस इंस्टीट्यूट में जो शिक्षा का जो माहौल था बहुत अच्छा उस जमाने में था। हफ्ते में एक दिन रिकॉर्डिंग सुनाई जाती थी,
हफ्ते में एक दिन किसी बड़े कलाकार का एलपी रिकॉर्ड या जो भी बना है तो वो रिकॉर्डिंग सुनाया जाता था। तो रोज किसी न किसी का, सब लोग सीनियर जो लोग बोलते थे भाई इनका सुनाइए उनका सुनाइए, कोई इंस्ट्रूमेंट सुनने के लिए होता था। बाद में हमसे पूछ दिया कि हम लोगों से, हमने बोला हमने पंडित भीमसेन जोशी की रिकॉर्डिंग सुनी। तो एक वहां पे प्रोफेसर पुष्पा बसु जी थी, तो उन्होंने वो पंडित भीमसेन जोशी जी का मियां मल्हार लगाया ऑडियो रिकॉर्डिंग जी। वो गाना जब सुना तो भाई गुरुजी ने भी बोला था, एक मन में बन जाता है ना कि जी, जी। इनका गाना सुनो, तो एक उस बड़े सीरियसनेस से हम सुन रहे थे, तो इतना आकर्षक गाना लगा वो गहराई गाने में, और वो थोड़ा मेरे गले से टैली भी करता था, मेरे गले का जो धर्म है। तो फिर मैंने वो गायकी धीरे धीरे सुन के कुछ कोशिश करने की कोशिश, अपनाने की कोशिश किया मैंने, और मेरे भट्टाचार्य गुरुजी भी सपोर्ट करते थे, मैंने ये ऐसे उगाते हैं ऐसे गाते हैं, और हमारे आचार्य नंदन जी भी बताते थे ऐसे। तो वहां से डेवलप हुआ कि मैंने इनको सुनना सब, उन लोगों ने बताया कि बड़े गुलाम अली खान साहब, अमीर खान साहब, तो सबको हम लोग सुनते थे उसमें। तो उस तो वहां से ये हमारे गुरुजनों से ये टेस्ट आया, जो आजकल ये देखने को नहीं मिलता है। अब जैसे कोई भी आर्टिस्ट होगा अपने गुरु के बारे में बोल देगा कि इनका सुनो उनका सुनो, तो वहां हमारे गुरु जितने थे वो पंडित अजीत भट्टाचार्य हो चाहे आचार्य नंद जी, गले गले जैसे स्टूडेंट के गले की क्या क्वालिटी है उस हिसाब से वो गाना सिखाते थे, और वो उसको उसके अंदर वो ऐसा मानसिक उसको डेवलप करना, जैसे गायकी डेवलप कराना उनके, ताकि इसके गले में ये गायकी फिट होगी। हमारे गुरु तो कभी कभी कुछ राग सिखाते थे जैसे बेटा ये सीख लो तुम्हारे गले से बहुत अच्छा लगेगा, तो कोई राग सिखाया ऐसे करके, कुछ बंदिशें सिखाई। तो ये आजकल कम मिलता है सुनने के लिए, तो इस तरह से टेस्ट डेवलप हुआ। पंडित जी आपने रागों का जिक्र कर दिया, बंदिश का जिक्र कर दिया, दो इतने महान कलाकारों का नाम आ गया, आपसे गुजारिश यही करेंगे कि कोई भजन की कुछ लाइनें हमें सुनाइए। मेरे गुरुजी ने भजन गाया है बहुत सारा, ये गाया कृपा सरोवर कमल मनोहर कृष्ण शरण गहिए, कृपा सरोवर कमल मनोहर कृपा सरोवर कमल मनोहर कृष्ण शरण गहिए सी, कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए सी, कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए सी, कृष्ण शरण गहिए, कृपा सरोवर कमल मनोहर कृष्ण शरण गहिए सी, कृष्ण शरण गहिए, लीला पुरुषोत्तम दाना रे, लीला पुरुषोत्तम दाना रे, राधा माधव अवपाधा रे, राधा माधव अवपाधा रे, शरणागत रहिए, शरणागत रहिए श्री कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए, कृष्ण शरण गहिए। क्या बात है पंडित जी। एक सवाल और बनारस से जुड़ा हुआ हम लेते हैं और उसके बाद फिर इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में चलेंगे। बनारस
आप बहुत अच्छे से करीब से जानते हैं पंडित जी कि वो धरती ही ऋषि मुनियों की है, मतलब संगीत के ऋषि मुनियों की है। आप कबीर जी चौराहा चले जी जाइए जी तो आपने खुद जी काम जी किया, किशन जी महाराज से लेके सितारा देवी से जी लेके, अंदर चले जाइए तो आप राजन साजन जी से लेके, तो ये आपको भी जब आप और बीएचयू से जब आप पढ़ रहे होंगे तो इन लोगों का आशीर्वाद भी आपको समय समय पर मिलता रहा होगा। तो वो बिल्कुल सुनने के लिए मिलता है जी। जो एक तो गायकी ग्वालियर घराने की जरूर आपने सीखी, लेकिन इनसे भी जो अच्छी अच्छी चीजें रही होंगी वो जानने सुनने को जरूर मिली होंगी वहां पर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कलाकार जो होता है वो कान बंद करके रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है, उसको कान खुला रखना है। और उसके अभी आज के जमाने में जैसे अगर घराने की बात करेंगे ना, घराने की बात, तो घराना जो है अभी सक्सेस नहीं है कि हम एक घराने की कोई गायकी गा रहा हो। सबके घराने, सबके गायकी में एक दूसरे घराने का असर है, टच है, क्योंकि कान बंद कर तो रहेंगे, रख करके रहेंगे नहीं, तो सुनना होता है। और अच्छे अभी क्या है कि अच्छी अच्छी चीजें जहां से मिल रही हैं, जहां से मिल सके उसको लेना है। तो ये चीजें आई, जैसे अब हम लोग जैसे गाते हैं तो बनारस अंग, पूरब अंग की ठुमरी, ठुमरी जैसे है, तो हम पंजाब अंग भी गाना सीखे हैं, हम बनारस अंग भी गाते हैं। बनारस अंग गाना मुश्किल है क्योंकि उसमें बिना मुर्की के तो बात पैदा करना है, जैसे बोल बनाना है, बोल को बनाना है। बनारस में जिस बनारस घराने का की खास विशेषता जो है कहन, कहन का मतलब कहने का तरीका, किसी भी शब्द जो शब्द को जो कहने का जो तरीका है वही असर करता है। तो यह सब चीजें सीखी कि शब्दों को कैसे बोलना है, सुर के सुर में और भाव के साथ उस शब्द को कैसे बोलना है। तो ये चीजें हम लोग सुने। तो कोई कोई ठुमरी पंडित जी गुनगुनाते भी चलिए। जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ये खमाज में ठुमरी है, मिस्र खमाज में। गगरिया में घरे धरियाऊं, ठाढ़े रहो बाके यार। जैसे बनारस में पंडित महादेव जी, पंडित महादेव मिश्रा जी रहते थे उस समय, तो बनारस यूनिवर्सिटी में वो भी आते थे। वहाँ वो उनको विजिटिंग प्रोफेसर बनाया था, तो सभी सीनियर जो स्टूडेंट थे, जैसे हम लोग से, हम लोग तो एमए वगैरह में थे, तो हिदायत थी कि तुम लोगों को भी बैठना हो उस वहाँ जाके। तो उसमें हम लोग का पल्ले तो पड़ता नहीं था, उस समय बीए वगैरह की चीज़ नहीं फिर ठुमरी है, क्योंकि ठुमरी के लिए एकदम ये जो है दिमाग सब कुछ डेवलप होना चाहिए, तब समझ में आएगा। एक तो ठेका उसका दीपचंदी का, 14 मात्र धा धेन धा धा, ये दिमाग में बिठाना और बोल को उस शब्द उसको याद रखना, उस भाव से करना। लेकिन हम लोग को बैठने का एक था ऊपर से कि वहाँ बैठना है, तो हम लोग के दिमाग में इतना वो छा गया ना, तो ये बनारस का अंग कहीं भी कोई सुनता है तो बोलता है ये बनारस का अंग है। तो महादेव जी का ये था ये ठुमरी। वो तो बहुत सारी ठुमरियाँ गाते थे, दादरा गाते थे, तो ये जो हम ठुमरी गाते हैं इसको अब ये कहीं कहीं ये अंदाज बनारस का भी आएगा और मेरे गुरु जी का भी आएगा कहीं कहीं बीच में, वो तो मैं वो गायकी मेरे गले में है। गगरिया गगरिया में घर धरिया, तो बनारस की खास जगह है। गगरिया में घर धर, तो
पंडित हरीश तिवारी जी के साथ इस बातचीत में यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं। कल एक बार फिर आप हमसे जुड़िएगा ठीक रात 9 बजे, और कल बेहद दिलचस्प बातचीत होगी, क्योंकि कल हम पूछेंगे पंडित जी से कि आखिर किस तरह वो पहुंचे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के पास, और फिर किस तरह शुरू हुआ उनके तालीम का सिलसिला।